नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज स्पेशली व्रत से रिलेटेड रेसिपी लाई हूँ। इस रेसिपी का नाम है साबूदाना नमकीन। तो चलिए साबूदाना नमकीन बनाना शुरू करते हैं। उपवास वाला साबूदाना नमकीन बनाने के लिए चाहिए 1 कप नायलॉन साबूदाना, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। 8 से 10 काजू बादाम, इन्हें इस तरीके से ब्रेक कर लें बीच से। सूखा नारियल के टुकड़े लंबा काटकर यूज़ करें। हरी मिर्च स्वादानुसार, 1/2 कप मूंगफली के दाने, सेंधा नमक उपवास वाला स्वादानुसार, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। अब इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम फुल पर करें ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। ये पहले से तैयारी करके रख लेते हैं जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। फ्राई करने के बाद साबूदाना का एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए किसी भी बर्तन के ऊपर टिश्यू पेपर या साफ कपड़े को इस तरीके से लगा दें। ध्यान रखें, इसकी जगह आप न्यूज़पेपर का यूज़ ना करें। न्यूज़पेपर की इंक खाने के आइटम में लग जाती है तो वह हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है, अब गैस को बिल्कुल स्लो पे कर लें। ये साबूदाना को इसमें डाल दिया है। साबूदाना को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। ध्यान रखें, इसे स्लो में ही सेकना है और इसे सिकने में टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट कम से कम लगेंगे। ये जब फूटता है तो अलग ही आवाज़ आती है। जब तक इससे आवाज़ आती है तब तक इसको सिकने दें। साबूदाना को अंदर तक पकने में टाइम लग जाता है। आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें क्योंकि इससे ये फूटता है साबूदाना और आजू बाजू ऑयल भी आ जाता है। मैंने इससे बहुत डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑयल आ रहा है ऊपर ऊपर। ये साबूदाना हल्का गोल्डन कलर का हो गया है, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो गया है। सभी को निकाल लें और टिश्यू पेपर या कपड़े के ऊपर रख दें। इसी तरह से आप सारे साबूदाना फ्राई कर लें थोड़ा थोड़ा करके। जब साबूदाना अच्छे से फ्राई हो जाता है तो इस तरीके का दिखता है, गोल्डन कलर का, ये देखिए। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साबूदाना पूरा फ्राई हो गया है, अब मूंगफली के दाने को फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और मूंगफली को हल्का ब्राउन होने तक भूनें। ये उपवास में खाने के लिए बहुत ही अच्छा साबूदाना नमकीन है और बिल्कुल जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल लें। उम्मीद है आपको ये साबूदाना नमकीन जरूर पसंद आएगा, आप भी ट्राई करें। मूंगफली को फ्राई करने के बाद काजू बादाम और नारियल के टुकड़े फ्राई करना है। ध्यान रखें, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। इन्हें मिनिमम 8 से 10 सेकंड ही ऑयल में फ्राई करें और तुरंत निकाल लें। इतने में ही इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है, ये देखिए। इन्हें तुरंत निकाल लिया, आपको गोल्डन कलर के दिख रहे होंगे ये। अब स्वादानुसार हरी मिर्च के टुकड़े करके इसे भी फ्राई कर लें। हरी मिर्च को भी 8 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करें, बिल्कुल स्लो फ्लेम में, जलाना नहीं है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गई है। सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस तरीके से हिला लें तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इस टिश्यू पेपर को हटा दें। इसमें स्वादानुसार उपवास वाला सेंधा नमक और स्वादानुसार काली मिर्च पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। ये व्रत में खाने के लिए गर्मा गर्म साबूदाना नमकीन बनकर तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।